हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस सीरीज़ की नई वीडियो में ई कॉमर्स ऐप बना रहे थे हम। तो इस सीरीज़ में हमारा ये आई थिंक थर्ड पार्ट है, जिसके अंदर हम लॉगिन साइनअप स्क्रीन बनाने के बाद, ये मैंने लॉगिन साइनअप स्क्रीन बना रखी है। ओके, तो यहाँ पे हमने ये स्क्रीन बना रखी। इस स्क्रीन में हमने लास्ट टाइम ये डिज़ाइन ही बनाई थी। अब हम इसके अंदर डेटा लोकल स्टोरेज यूज़ करके असिंक स्टोरेज यूज़ करेंगे और इनके अंदर फंक्शनलिटी डालेंगे लॉगिन और साइनअप की। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे करने के लिए हमें चाहिए होगा रिएक्ट नेटिव असिंक स्टोरेज की लाइब्रेरी। ओके, ये बोल रहा है असिंक स्टोरेज हैज मूव्ड टू ऑर्गेनाइजेशन दिस वन डुप्लीकेटेड। ओके, तो ये बोल रहा है कि ये वाली लाइब्रेरी ओपन कर लो, ये वाली है ना। ठीक है, हमने ओपन करी, हमें इंस्टॉल करने के लिए कुछ बता रहा है ये। तो इंस्टॉल करने के लिए यहाँ इसने लाइब्रेरी दे रखी होगी। एंड्रॉइड डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं इसके। ठीक है, ये लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी हम उठाते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं, चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर डायरेक्टरी पे और यहाँ करते हैं पेस्ट। ठीक है, होगी लाइब्रेरी इंस्टॉल। प्रोजेक्ट को करते हैं एक बार फिर से रन, इससे हो जाए सिंक। एक या दो सेकंड लेगा ये रन होने में। ओके, ये रन हो गया। ठीक है, चलते हैं कोड पे और इसे खोल लेते हैं ऐप। ओके, यहाँ देखते हैं एक बार, लाइब्रेरी चेक कर लेते हैं इंस्टॉल हुई है ठीक से या नहीं। ये आ गई लाइब्रेरी। ठीक है, अब इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। फिलहाल सारी चीज़ों को हम पहले करने वाले हैं साइनअप के पर काम। साइनअप पे काम करेंगे तो फिर हम उसके बाद करेंगे लॉगिन पे काम। ठीक है, फिलहाल मान लो हमने सारी चीज़ें एंटर कर दी, यहाँ नेम, ईमेल, पासवर्ड और सारी चीज़ें एंटर करने के बाद हमारी वैलिडेशन था वो ट्रू हो गया। ठीक है, वैलिडेशन हो गया ट्रू, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई भी चीज़ फॉल्स नहीं मिली। ठीक, हम क्या करेंगे उसके बाद, यहाँ पे कॉन्स्ट सेव डेटा असिंक, ओके, ऐसे करके एक बनाएंगे मेथड और यहाँ क्या करेंगे, एक कंडीशन चेक करेंगे। इफ़ जितने भी बैड वाली चीज़ें हैं, बैड नेम, बैड ईमेल, बैड नेम, ओके, एंड जोड़ेंगे, क्योंकि हम सारी चीजें चेक करेंगे कि कोई भी ट्रू ना होना चाहिए। या फिर आपको अगर थोड़ा सा डाउट ऐसे हो रहा हो तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ऐसे फॉल्स, ठीक है, यहां पे ऐसे भी कर सकते हो। तो मैं आपको ऐसे भी बता दे रहा हूं, कोई बात नहीं, ऐसे हमें कुल मिला के समझ में आना चाहिए। बैड नेम, बैड ईमेल, ठीक है, बैड मोबाइल,
ये सारे फॉल्स होने चाहिए, ये फॉल्स होंगे तभी हम आगे मूव करेंगे। तो बैड पासवर्ड फॉल्स और बैड कंफर्म पासवर्ड, ठीक है, ये भी फॉल्स होना चाहिए। अगर ये फॉल्स है तो हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर डेटा सेव करने वाले हैं। कौन सा डेटा? जो यहाँ पे हम सारा निकाल रहे हैं, ठीक है, वो किस में सेव करेंगे? असिंक स्टोरेज में, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले, कॉन्स्ट असिंक स्टोरेज का, जैसे कॉन्स्ट की ज़रूरत भी नहीं है, अवेट, ठीक, असिंक स्टोरेज को हम करेंगे इम्पोर्ट डॉट सेट आइटम, और सेट आइटम में उस की का नाम ले लेंगे जैसे ये सेव करना है। मेरे को नेम सेव करना है तो नेम की ले ली मैंने, और नेम में मैं नेम को कर दूंगा पेस्ट, कुछ इस तरीके से होगा। अब ये कॉपी करते चलो, बस की के नेम चेंज कर देंगे हम। कितनी चीज़ हम सेव कर रहे हैं, ईमेल, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड, ठीक, पासवर्ड, मोबाइल। ये सेव होने के बाद, ये सब सेव हो जाएगा ना, हम चले जाएंगे क्या दूसरी स्क्रीन पे, ठीक, या फिर जब बंदा फर्स्ट टाइम आ रहा है, जब साइन अप कर रहा है, तो हम उससे लॉगिन करवाएंगे। और लॉगिन करवाने के लिए हम क्या चलेंगे, नेविगेशन डॉट गो बैक, ठीक, यहाँ से गो बैक कर लिया। और सेव को हम कहाँ कॉल करेंगे, सेव डेटा को यहाँ, आप देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं करेक्टली, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पे सारा डेटा, मान लो मैंने नेम के अंदर गौरव डाल दिया, गौरव @gmail.com डाल दिया, ये मैंने कुछ, ठीक है, मोबाइल के अंदर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 डाल दिए, 1 2 3 4 5 6, पासवर्ड डाल दिया 1 2 3 4 5, ये डाला तो ये मैच नहीं होगा, बट मैच नहीं हुआ तो ये इधर आ गया, मतलब हमने कोई वैलिडेशन में किया गड़बड़। मुझे क्या लगता है कि एक दिक्कत और हुई है, क्या वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे मुझे एक वैलिड तो ठीक हो रहा होगा, मुझे लगता है कॉन्स्ट इस वैलिड को मैं यहाँ पे फॉल्स लूँगा, ठीक है, कॉन्स्ट नहीं लेट लो, चेंज करेंगे इसको इसलिए। अब देखो जितनी जगह ट्रू है उसको, इस वैलिड को ना मैं फॉल्स ट्रू करूँगा, नहीं फॉल्स करूँगा, यहाँ है तो फॉल्स हो जाएगा, मैं पहले क्या लूँगा ट्रू, यहाँ फॉल्स हो जाएगा, यहाँ फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। जितनी भी जगह हैं जहाँ पे बैड नेम ट्रू हो रहा है ना, उतनी जगह पे मैं इसको फॉल्स, इस वैलिड को फॉल्स लूँगा, हाँ, क्योंकि उसमें वैलिड नहीं है। और फिर इसको मैं वहाँ कंडीशन एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि क्या है, कभी कभी जैसे हम ये सेट कर रहे हैं ना स्टेट, अगर हम सेम फ्लो के अंदर कभी चेक करते तो उसकी वैल्यू अपडेट नहीं होती उस टाइम में, कुछ सेकेंड का गैप रहता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे ये कराना हमने, और सेट टाइम आउट भी लगा सकते हैं,
और सेट टाइम आउट के अंदर हम अराउंड 3 सेकंड का लोडर लगा देंगे और लोडर के बाद हम यहाँ पे डाल। अब एक बार चेक करते हैं फिर से वही चीज़ जो हमने भी चेक करी थी, केस जो हमारा था कि भाई क्या दिक्कत हुई जब हम गौरव GORV@gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ओके। और अभी मैं यहाँ पे ये नेविगेशन को बंद कर दे रहा हूँ, है ना, कंसोल करा देता हूँ, कंसोल लॉग, यस ऐसे करके कुछ भी मैंने करा दिया, ठीक है। पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 मैं इसको 5 कर दिया मैंने, 5 अब मैं देखता हूँ क्या होता है। प्लीज़ एंटर करेक्ट पासवर्ड, और ये कंडीशन मुझे वहाँ नहीं, ये कंडीशन मैं यहाँ से उठा के यहाँ लगाऊंगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से उठा लो, ठीक। और इसके अंदर सेव डेटा ले लो। अब देखते हैं ये हम कर देंगे इसको ऑन, ठीक। अब मैं एक बार देखता हूँ, मैंने ट्रू करा जाएगा कि नहीं जाएगा, और जैसे मैं 6 करता हूँ जाना चाहिए। अब ये क्या आ रहा है, गो बैक के रन करते हैं दोबारा से, क्या दिक्कत आई देखते हैं। एक्शन गो बैक वॉच नॉट हैंडल्ड, फिर से एक बार ट्राई करेंगे हम, क्योंकि ये परफेक्ट होना ज़रूरी है इसका हमारे लिए। गौरव gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 इस पर ये नहीं जाना चाहिए बैक, ठीक है, कितना भी दबाता रहो पर जेस जा रहा है। 3 सेकंड है ना, ओके कूल। एक काम और करते हैं, कॉन्स्ट बटन डिसेबल्ड सेट बटन डिसेबल्ड, यूज स्टेट फॉल्स। स्टार्टिंग में तो डिसेबल हुआ नहीं है, पर बाद में हम इसको डिसेबल करेंगे। तो क्या करेंगे, जब भी हम वैलिडेशन कर रहे हैं ना, सेट बटन डिसेबल्ड यहाँ ट्रू कर दो, ठीक। और
else set button disabled false, ये तो चलेगा ही ना। ठीक, तो इस बटन जो है इस बटन के अंदर प्रॉपर्टी में डालनी पड़ेगी कॉमन बटन, जिससे वर्ल्ड डिसेबल्ड। ओके, ये तो मैं यहाँ पे डिसेबल्ड को क्या दूंगा, इस बटन डिसेबल्ड जो भी होगा। ठीक है, अब एक चीज़ और देखनी है, अगर बैकग्राउंड कलर बटन डिसेबल्ड है तो बटन डिसेबल्ड अगर ट्रू है तो होना चाहिए एटी, अदरवाइज ये। ठीक है, तो एक बार इसे ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि बार बार बटन जो क्लिक कर रहे हैं ना तो क्लिक हो जा रहा है और फिर उसको दोबारा से चल जा रहा है। मैं फिर से इसे देखूंगा क्योंकि मुझे परफेक्ट बनाना ये है। gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 के 1 2 3 4 5 6। अब मुझे एक बार क्लिक करके देखना होगा कि ये चल रहा है भाई, ये चल रहा है, इसका मतलब बटन डिसेबल्ड हो गया बट ये चल रहा है। कैसे ये अपडेट नहीं हो रही चीज़ें, एक काम करते हैं, यहाँ बैड ईमेल की जगह पे हम क्या लेते हैं, इस वैलिड ट्रू लेना ही पड़ेगा, है ना। सारी जगह लिया मैंने, ये हटाओ, इस वैलिड जो है ना वो ट्रू होना चाहिए। बस अब मैं बस इस कंडीशन देखना चाहूँ, मेरे हिसाब से काम करना चाहिए क्योंकि अब हो गया बहुत टाइम, इतना टाइम वेस्ट नहीं हो सकता बर्बाद, इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते भाई। हमारे ना ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 अब जाना नहीं चाहिए, नहीं जा रहा ना, डिसेबल्ड हो गया, इनेबल हो गया। फिर से मैं फिर से क्लिक करूँगा, 3 सेकंड के लिए देखेगा, फिर से डिसेबल्ड हो गया पर जा नहीं रहा। जैसे ही मैं अभी इस पर 6 दबाऊँगा फॉल्स हो गया, है ना, मतलब इस वैलिड ट्रू नहीं जा रहा। वो इस वैलिड ट्रू कहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं फॉल्स हुआ होगा। फॉल्स, हमें एक बार ये चेक करना है, मुझे कंसोल करता हूँ मैं, कंसोल लॉग इस वैलिड क्या आ रहा है ना, मैंने सेव करा, मैंने करा क्लिक, इसका मतलब अपडेट नहीं हो रहा था वो। इसको चलो हम थोड़ा सा लास्ट में सही करेंगे इसको, अभी पहले यहाँ पे हम साइन इन पे काम कर लेते हैं, ज़रा टाइम बर्बाद इस पर नहीं करना, इसको वैलिड करेंगे लास्ट में, फिलहाल हम लॉग इन पर काम करते हैं। कुछ ना कुछ रिजल्ट होना चाहिए हर मिनट का। ओके, तो
मेरे पास एक तरीका और है, ठीक है, वो तरीका मैं लास्ट में अपनाऊंगा इन दोनों के लिए भी, इसके लिए इसमें अपनाऊंगा, वही इसमें हम अप्लाई करके देखेंगे दूसरे वाले में, ठीक है। तो फिलहाल मैं क्या करने वाला हूँ, वैलिड, ओके, पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं चेक करता हूँ कि डेटा सेव हुआ कि नहीं, है ना। तो यहाँ जब मैं वैलिड पे क्लिक कर रहा हूँ तो कॉन्सोल यहाँ पे गेट डेटा करके एक, ओके, कॉन्स्ट गेट डेटा असिंक के कॉन्स्ट ईमेल एम ईमेल ईमेल अवेट असिंक स्टोरेज गेट आइटम और इसमें ईमेल, ओके कूल, ये ईमेल हो गया। मैं ऐसी कॉपी करता हूँ, इसे पासवर्ड चाहिए होगा क्योंकि हम मैच कराने वाले हैं, तो एम पास, ओके, ओके। यहाँ मैंने इस पर क्लिक किया, गेट डेटा आ गया, और यहाँ मैं कंसोल कराने वाला हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें एम ईमेल और एम पास, ये दोनों करता हूँ प्रिंट। ये मैंने ओपन कर लिया, ठीक है, मैंने कुछ भी एंटर करा, ये मैंने ये एंटर करा, और मैंने गौरव एट द रेट जी मेल डॉट कॉम, और पासवर्ड आ गया, ठीक है। तो डेटा आ रहा है, हमें बस ये चीज़ सही करनी है और हमें वैलिडेशन सही करना है, फिर उससे हम कंटिन्यूस मैच करा सकते हैं ना। तो वैलिडेशन यार हम जब लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है ना, ये जो है ना, ये बैड ईमेल और पास, ठीक है, ये अपडेट तो हो रहे हैं पर इसी फ्लो के अंदर दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो सेम उसी सेकंड में चेंज हो रहे हैं ना, और उसी सेकंड में हम दूसरा काम कर रहे हैं, तो वो उस सेकंड में वो नहीं हो पा रहा, अपडेट नहीं हो पा रहे, तो हमें कुछ डिले ऐड करना पड़ेगा। और डिले हम कैसे ऐड करेंगे, वो डिले हम ऐड करके करने वाले हैं कुछ ही ऐड करके, ठीक है। और वो क्या होगा, मान लो ये है, ठीक, मैं इसको रिटर्न के बेस पे कर सकता हूँ, कैसे वो चीज़ मैं बताता हूँ। मैंने क्या करा, एक मेथड बना लिया यहाँ पे, कॉन्स्ट लॉग इन, ओके, डेटा मैंने पहले निकाल लिया, इफ लॉग इन में ईमेल जो है वो इक्वल है तो ऐसे, ठीक है, एल्स अगर नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई। इसके अंदर एक कंडीशन और लगाएंगे फिर हम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, इफ एल्स, ठीक, सॉरी, इफ लगा दिया, इसके अंदर क्या पासवर्ड एंटर नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं, एल्स इसके अंदर फिर से हम, तो यहाँ पे तुम क्या कर देंगे, सेट बैंड बैड ईमेल ट्रू, ओके, और एल्स यहाँ पे क्या कर देंगे, फॉल्स, यहाँ कर देंगे सेट बैड पासवर्ड ट्रू, यहाँ क्या कर देंगे सेट बैड सेट बैड पासवर्ड ट्रू, ठीक, सेट बैड पासवर्ड को फॉल्स, पहले इस पर फॉर्मेट में लाते हैं। अब देखो
जब यहाँ ये पासवर्ड उन्होंने चेक कर लिया, ये भी कर लिया, तो यहाँ पे हम आराम से क्या कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं ईजली। तो फिर हमें बैड पासवर्ड की जरूरत, ये वाले वैलिडेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये वाला यहाँ से हम हटा सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गेट डेटा वाला मेथड कॉल कर सकते हैं यहाँ पे। और गेट डेटा हमने कॉल किया, तो गेट डेटा के बाद क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे, इफ़ ईमेल इक्वल्स टू एम ईमेल, ठीक, एंड एम पास इक्वल्स टू पासवर्ड, देन नेविगेशन कर देंगे हम नेविगेट टू होम, ठीक। और होम कहाँ है अभी बनाएंगे हम फिलहाल, तो हम यहाँ पे एक होम स्क्रीन बना लेते हैं, होम डॉट जे एस आर एन एफ ई। अगर ये वैलिडेशन हमारा सही काम करता है ना, तो फिर हम ये वाला वैलिडेशन अप्लाई करेंगे कहाँ, साइनअप में भी, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे हो गया हमारा सिर्फ टाइम बर्बाद हुआ है। मैंने सोचा अच्छा होगा, बट हम मुझे ये नहीं पता, मतलब इतना ध्यान में नहीं आया मुझे कि ये हम जब भी स्टेट अपडेट करते हैं तो सेम ही सेकंड के अंदर, सेम मिली सेकंड के अंदर हम कुछ चीज़ और कर रहे हैं तो वो डेटा अपडेट नहीं होता है, हमें कुछ ना कुछ डिले ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो फिलहाल हम एक बार चेक करके देखते हैं। मान लो मैंने ये गौरव एंटर कर दिया @gmail.com, और मैंने पासवर्ड कुछ भी नहीं, अभी 1 2 3 4 5 लिया, जबकि 6 है। तो ये वाला जो है, ये लॉगिन वाला जो है फंक्शन में कॉल करने वाला हूँ इस पर बटन की क्लिक पे, और यहाँ पे कॉल कर दिया मैंने, ठीक। अब इसको एक बार हम देखते हैं क्या होगा, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये लॉगिन, बैड पासवर्ड ट्रू नहीं कर रहा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, ईमेल भी एंटर नहीं है, तो यहाँ पे आएगा, और गेस्ट डेटा में जाएगा तो इक्वल नहीं है, तो यहाँ आएगा, है ना। ओके कूल, मैंने लेंथ पे नहीं लगाया है, तो अगर इक्वल नहीं है तो हमें यहाँ पे एक अलर्ट दिखना चाहिए, ये चीज़ मैं भूल गया, तो रॉन्ग पास में फ़िलहाल ये डालते हैं, ठीक है। इसको एक बार करते हैं फिर से, रॉन्ग पास यहाँ आ रहा है वो, ठीक है। अगर मान लो मैं एक चीज़ एंटर ही नहीं करता, अब देखते हैं, तो एंटर पासवर्ड आ रहा है 1 2 3 4 5 6, और मैंने ईमेल को थोड़ा सा कर दिया कट, अब मैं करूँगा तो एंटर रॉन्ग पास आ रहा है, क्योंकि वो एंट्री नहीं है, एंटर नहीं है, मतलब अभी मैंने सिर्फ किस पे लगाया, हमने सिर्फ लगाया है एम्प्टी स्ट्रिंग पे, है ना, हमने फुल रेजेक्स नहीं लगाया अभी, तो अगर इसको हम एम्प्टी करेंगे ना तभी एरर दिखाएगा एक्चुअल में, है ना। तो ठीक है, ऐसे काम चल जाएगा, बाकी आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। जब मैं इसको सही डालूँगा तो ये हमें लेके जाएगा होम पे, ठीक है, ये लेके जा रहा है। अब ये चीज़ हम ईजिली अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर भी साइनअप वाले में, हमें इतना बड़ा इसकी ज़रूरत नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, नेस्टेड लगा सकते हैं, ठीक है। और नेस्टेड के लिए हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ पे हम डाल दिया साइन अप, ठीक। अगर ये ट्रू हो रहा है तो इसके फॉल्स में ये वाली कंडीशन हमें डालनी है, उठानी है, पहले नेम है कि ईमेल है, हमें साइनअप में देख करना पड़ेगा एक बार हमें क्या है, पहले नेम है, ठीक है। तो ईमेल वाला जो है, ये ईमेल वाला हम उठाएंगे और इसके नेम में डालेंगे, ठीक है। हम नेस्टेड बना रहे हैं जिससे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे दिक्कत कुछ नहीं है, परफॉर्मेंस पे भी ज़्यादा कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक।
ठीक है, और इसके बाद हमारा मोबाइल है, तो मोबाइल वाला जो इफ एल्स है ये पूरा एल्स इफ ये हम डालेंगे इसके बैडी मेल वाले में, ठीक। और जो इसका फॉल्स होगा यहाँ, यहाँ हम डालेंगे पासवर्ड वाला, ओके। अब इससे क्या ना, जो भी वैलिडेशन दिखेगा ना वो स्टेप बाय स्टेप दिखेगा, ठीक। जब ये है तो ये, और ये वाला जो सबसे लास्ट में है वो इसके में है, ठीक है भाई। अब इस वैलिड का कोई काम नहीं है, तो हम इस वैलिड यहाँ से हटा सकते हैं। और कमेंट में बताना अगर आपको इजी तरीका पता है तो वो बताना, तो मैं सीखूँगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ कि भाई मैं ही सिखाऊँगा, मैं भी आप लोगों से सीखने के लिए हूँ यहाँ पे। तो आप कुछ कमेंट में सजेस्ट करो तो वो भी बेटर है, ठीक है। मैंने जो ऐसे यूज़ किए हैं वो अलग अलग तरीके हैं, तो फ़िलहाल हमने दो तीन तरीके यहीं देख लिए, बट उसमें से कुछ दिक्कत आ रही है, तो फ़िलहाल हम उस चीज़ को ठीक। अब उन्हें बटन यहाँ ट्रू कर दिया है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, बटन ओके, तो ट्रू हमने कर रखा है स्टार्टिंग में, ये बटन फॉल्स है, तो ये ट्रू कब होगा, यहाँ स्टार्टिंग में हो गया, तो स्टार्ट इसको कॉल करो, फॉल्स। अब इसे मैं कॉल करूँगा हर एक ट्रू के अंदर, कूल, ओके। अब हम जो ये डेटा वाला गेम कर रहे थे इसे हटा देते हैं, और सेव डेटा यहाँ कॉल कर लेते हैं, ठीक है। ईजिली तरीके से कॉल हो गया, बस। अब हम क्या करते हैं, डेटा हमने ऑलरेडी सेव कर ही रखा, तो एक बार फिर से टेस्ट कर लेते हैं कि नेम जो है वो मैंने पहले गौरव डाला था, फिर से डाल दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। गौरव @gmail.com फिर से मैंने वही डाल दिया सेव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ओके। अब अगर मैं ये है, ठीक है, अब मैं साइनअप पे क्लिक करूँ तो ये पासवर्ड रॉन्ग दिखाना चाहिए, बट जाना नहीं चाहिए, ये होना चाहिए। क्या हो गया भाई, वैलिडेट कहाँ, अच्छा क्या फंक्शन का नाम क्या कर रखा मैंने, साइन अप सेम हो गया, ठीक। मैंने कर दे रहा हूँ इसको एंटर रॉन्ग करेक्ट, प्लीज़ एंटर करेक्ट पासवर्ड, मैं इसको 6 कर दिया, तो ये जाना चाहिए लॉगिन पे, और लॉगिन पे ऑलरेडी हमने यहाँ पे एड्रेस सेव कर रखा है, चलते हैं इधर, ठीक ओके। अब हम क्या करेंगे, जब भी ऐप ओपन करेंगे, हमने लॉगिन कर रखा है, तो हमें क्या होना चाहिए, हमें सीधा होम पे भेजना चाहिए, ये चीज़ हम करेंगे, तो इसे सेशन मेंटेन करना कहते हैं, सेशन मेंटेन करना। तो हम क्या करने वाले हैं, हम साइन अप चलेंगे स्प्लैश स्क्रीन पे, स्प्लैश स्क्रीन, और स्प्लैश स्क्रीन में जाके हम ये करने से पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक कॉन्स्ट गेट डेटा असिंक ये, ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया, ठीक है, कॉन्स्ट ईमेल। अब ईमेल और पासवर्ड दोनों में से कोई भी एक चीज़ होनी चाहिए, है ना, ठीक है। तो हमारे पास अगर ईमेल एंटर नल नहीं है, ठीक, तो मान लो मैंने अवेट कर दिया, और असिंक स्टोरेज गेट आइटम, क्योंकि जब लॉगआउट करेंगे ना तो हम उसे वैल्यू नल सेट करेंगे, नल या फिर एम्प्टी स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से सेट करेंगे, तो जिससे वो हम कंडीशन, इफ़ ईमेल इज इक्वल टू ये
नॉट इक्वल्स टू ये, या फिर ईमेल नॉट इक्वल्स टू नल। एक और कंडीशन लगा दें, ईमेल नॉट इक्वल्स टू अनडिफाइंड, नहीं है तो ये कर दो, यहाँ गेट डेटा कॉल कर दो। ठीक है भाई, हमने तो देखो लॉगिन भी करा, साइनअप भी करा। हम एक बार फिर से सेव करते हैं और इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, है ना। लॉगिन क्यों करना, अगर ये है तो होम पे जाएंगे, एल्स लॉगिन पे जाएंगे। ठीक है, तो हम इसे एक बार फिर से सेव करते हैं। आप देखते हैं ये एक बार कहाँ भेजेगा, मैं ये भेजा होम पे, तो फिर मैं इसे एक पूरा रिफ्रेश करता हूँ। स्प्लैश खुलना चाहिए और स्प्लैश के बाद होम खुलना चाहिए क्योंकि हमने किया था। ठीक है, तो ये सेशन सही काम कर रहा है, जब हम लॉग आउट करेंगे तो उसका वो वाला चीज़ भी देखेंगे। ठीक है, तो ये लॉगिन और साइनअप तो ईजिली काम करने लग गया है। अब इसका हम बनाएंगे कि लॉगिन साइनअप जब भी हम कर रहे हैं तो लोडर बनाएंगे, तो लोडर को हम अभी बनाएंगे। ठीक है, तो लोडर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम रिएक्ट नेटिव के अंदर मॉडल होता है एक, और उस मॉडल को हम यहाँ पे ईजिली कॉमन वाला जो है ना, इसके अंदर एक लोडर डॉट js बनाते हैं, rnfe करके मैंने लोड js कर दिया। ठीक, स्टाइल सिलेक्ट वन पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप जीरो। ठीक है भाई, इसके अंदर हम लेंगे मॉडल, और इसके अंदर हमने एक ले लिया मॉडल रिएक्ट नेटिव का। ठीक है, और इसको हम एक व्यू लेंगे, व्यू की एक काम करते हैं, कोड कॉपी कर लेते हैं, मेरा बहुत टाइम लग रहा है अब चीज़ों में बनाने में, और इतना स्क्रैच से बनाएंगे ना तो ये वीडियो कम से कम 20 जाएंगे, मैं 20 नहीं चाहता, कुछ ये तो आपको पता ही है। तो रिएक्ट नेटिव मॉडल, ठीक है, यहाँ से बस कोड उठाना है। देखो कुछ ऐसा नहीं है, कुछ स्पेशल करना रहता तो भाई, और ऐसा भी नहीं है कि मैं करना नहीं चाहता, पर मैं टाइम बचाना चाहता हूँ, मैं इतना टाइम नहीं लगाना है तो मुझे कुछ नहीं करना, बस नॉर्मल कोड उठाना है, बाकी हम अपना कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे गया, मैंने फ़िलहाल ये कोड ले लिया, तो ये मॉडल विजुअल वाला है ना, जो यहाँ पेस्ट कर दो। मॉडल विजुअल, सेट मॉडल विजुअल, ये क्या यूज स्टेटमेंट है, यूज कॉन्स्ट मॉडल विजुअल, सेट मॉडल विजुअल, अरे सेट मॉडल विजुअल, यूज स्टेट फॉल्स। ठीक है, यहाँ से हटा देते हैं, मैंने सीधा वहीं से वही स्टेट में मंगा ली। ठीक है, अब बात करते हैं ये स्टाइल व्यू की, तो सबसे पहले तो हम इसको ये हटा देंगे और व्यू, इसका स्टाइल व्यू देख लेते हैं, फुल स्क्रीन बना रखा है इन्होंने, मॉडल व्यू छोड़ो, एक कॉपी करो, मॉडल व्यू है ना ये वाला, तो इसको हमें ज़रूरत नहीं है फिलहाल। इसकी चाहिए, चलो उसको मैं क्या करता हूँ, फ्लेक्स वन कर देता हूँ, विद जस्टिफाई कंटेंट कर लेते हैं, सेंटर, अलाइन आइटम्स कर देते हैं सेंटर,
ठीक, इसको थोड़ा सा साइड से बंद करते हैं यहाँ से, और ये इसका मॉडल व्यू जो है ना, इसको लो, ये आ गया मॉडल व्यू। ठीक, बाकी सारी चीज़ों को लपेट देते हैं। विथ 200, हाइट 200। एक बार इस वाले को हम रन करके देखते हैं कहीं पे भी, है ना, तो कहाँ रन करें हम इसको, कहाँ, अभी होम वाले पे एक बार यहीं देख लेते हैं ना। लोडर डॉट ये रहा, और यहाँ मॉडल विजुअल में मॉडल विजुअल भेज देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, कॉन्स्ट, यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट टू ले लिया मान लो, तो मॉडल विजुअल मैंने इसमें भेज दिया, सेट मॉडल विजुअल में, सेट मॉडल विजुअल भेज दिया। बस एक बार इसको देख लेते हैं कैसा आ रहा है, ये आ रहा है इस तरीके से, है ना। तो इसको हम, ठीक है, कहाँ है, सीखेगा आ रहा, तो मैं 200 ना 100 चाहिए मुझे, 100 ओके ओके ओके। तो फिलहाल होम की जगह मैं क्या चाह रहा हूँ, ये वाला कॉपी करूँ लॉगिन में, है ना, यहाँ मैं ये होम वाला जो है ना चक्कर यहाँ से उठा के और लॉगिन में ले चलता हूँ। एक बार लोड रुक, यहाँ करते हैं कॉल, कॉल कर दिया भैया, कॉल हो गया। ठीक है, अब देखो जब भी मैं डेटा सेव कर रहा हूँ ना, यहाँ लॉगिन से सेट लोडर मॉडल विजिबल ट्रू कर दो, कोई दिक्कत ना, जैसे ट्रू करोगे ना, अगर कहीं पे भी इफ एल्स आ रहा है या यहाँ, तो यहाँ सेट मॉडल विजुअल क्या कर दो, फॉल्स, यहाँ फॉल्स कर दो, यहाँ फॉल्स कर दो, यहाँ फॉल्स कर दो, और यहाँ नहीं करना है, यहाँ किया जब ये सेव हो जाएगा तो यहाँ करना है, या फिर यहाँ करना है और यहाँ। ठीक है, अब एक बार क्या करते हैं, चलते हैं लॉगिन स्क्रीन पे, बस इसको कर देते हैं हम, इसका डेटा क्लियर करना पड़ेगा हमें। स्टोरेज के, अब ये हमारी लॉगिन स्क्रीन खोलेगा। ठीक है, लॉगिन स्क्रीन खोलेगा, अभी भी इसे स्प्लैश मिल रहा है, ये काम करता है, डेटा रिफ्रेश नहीं हो रहा, तो मैं अभी फ़िलहाल यहाँ लॉग इन ही लगा ले रहा हूँ, और रिफ्रेश नहीं होगा तो मैं इसका वेट नहीं करूँगा। ठीक है, ये यहाँ पे डायरेक्टली आ रहा है, मेरे को स्टार्टिंग में करना है फॉल्स। ठीक है, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तभी ट्रू चाहिए मुझे, है ना। इसको पहले तो इस लोडर के अंदर ना, जो भी लोडर है इसके अंदर मुझे चाहिए एक्टिविटी इंडिकेटर, और ये सेंटर में चाहिए, तो मुझे इसके लिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन अलाइन आइटम्स सेंटर, ये ठीक
और ये साइज इसका जो होना चाहिए ना लार्ज। कूल करते हैं इसको यहाँ से gaurav@gmail.com 1 2 3 4 5 6। ओ इतना फास्ट। ओपन तो सही हो रहा है ना, बट ये बंद हो जा रहा है। क्यों बंद हो जा रहा है? क्योंकि मैंने लॉगिन पे बंद हो रहा है। बंद किस केस में होगा? या तो इस केस में होगा या इस केस में होगा। बंद होने के बाद यहाँ पे अलर्ट डाल देते हैं, कुछ है तो देखते हैं ये वाला केस है क्या। ओके, मतलब ये मैच नहीं हो रहे, मैच नहीं हो रहे ईमेल और पासवर्ड। और ईमेल और पासवर्ड हमने सेव कराया था कहीं क्या? सेव भी करा के देख लेते हैं आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी जब मैंने उसका डेटा हटाया है ना तो वो दिख नहीं रहा था। और मतलब उसने साइन स्प्लैश पे तो भेज दिया, स्प्लैश पे शायद हमने कंडीशन कुछ ऐसी लगा रखी तो हो सकता है कि वहाँ नल नल आ रहा है ना, नल और नल। अब हमें ये देखना है कि हमने स्प्लैश पे कंडीशन नल नल लगाई थी, नल और नल कहाँ है स्प्लैश भाई? यहाँ हमने क्या लगाया था? नल नहीं होगा तो होम, तो लॉगिन, तो ये डिलीट होगा। ओके ये कर देते हैं, पहली वाली फॉल्स हो गई होगी। मैं इस पे लगाता हूँ होम, यही तो मैं आना चाहिए ना। एक बार देखता हूँ उसे, नल है ठीक है। तो फिलहाल हमें साइन अप करना पड़ेगा क्योंकि डेटा मैंने हटा दिया है। gaurav@gmail.com सेम से ही कर ले रहा हूँ मैं, सॉरी यहाँ पे ऊपर गौरव होगा। ओके gaurav@gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 4 5 6 मैच होगा। वेरीफाई, ओके वैलिड, क्योंकि ये क्रिट कम रह गया। ठीक है लॉगिन हो गया @gmail.com और 1 2 3 4 5 6 ये ठीक है। बट क्या है कि ये बहुत जल्दी बंद हो जाता है, तो मैं क्या करूँगा ये चीज़ को सेट टाइम आउट लगाऊँगा। टाइम आउट में मैं 2 सेकंड इसको घुमाऊँगा यहाँ अराउंड, 2 सेकंड मैं 2 सेकंड घुमाऊँगा, उसके बाद इसको बंद करूँगा। तो यहाँ पे ये 2 सेकंड बाद बंद होगा। ठीक है तो एक बार देखते हैं। कूल, घुमा 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 और होम। ठीक है तो ये अब काम कर रहा है, वैलिडेशन भी इसके अच्छे से काम कर रहे हैं और लोडर भी हमने बना लिया और स्प्लैश स्क्रीन का भी मसला सही हो गया। ठीक है अब हम बात करेंगे होम पे। होम पे में क्या चाहिए होगा? बॉटम नेविगेशन चाहिए और साथ में हम प्रोडक्ट की लिस्टिंग कराएंगे। ठीक है तो मैंने एक नॉर्मली अभी फ़िलहाल मैंने बना लिया था, एक जेसन बना रखा है प्रोडक्ट करके, मैंने एक फ़ाइल बना रखी है और इसके अंदर मैंने JS फाइल बना रखी है, इसके अंदर मैंने कुछ डेटा सेव कर रखा है। जैसा हमें नीड है वैसा मैंने कुछ कैटेगरीज वाइज डेटा सेव कर लिया है। क्लोथिंग का ऐप बना रहे हैं एक तरीके से समझो, क्लोथिंग का मैंने लिया है
तो ये ग्रॉसरी का रखा था, फिर मैंने कहा कि यार उसका नाम जरूर रखा मैंने, बट मैंने कहा यार डेटा हमें इजी चाहिए हो। फिर मैं फ्रूट्स वगैरह सर्च करता, मेरे को थोड़ा टिपिकल लग रहा था, मैंने कहा यार ये क्लोथिंग का ही कर लेते हैं, तो इसका नाम कुछ भी हो आपका वो चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट फिलहाल ये मेरे को टी शर्ट शर्ट और मतलब मैंने कुछ ऐसे शॉपिंग वाला बना लिया, तो ये डेटा है इसको हम लिस्टिंग कराएंगे, तो वो हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।